नुहुम विवाद, पुलिस ने लगाई मन चलों पर लगान, स्कूली छात्राएं कर रही सुरक्षा का एहसास। छात्राओं ने एसपी नरेंद्र बिजारणिया और एसडीएम डॉक्टर चिनाल चहल का जताया आभार। बता दें कि मेवात के फिरोजपुर जिले का स्कूल आने जाने वाली छात्राओं पर अश्लील पंक्तियां कसने तथा छेड़खानी करने वाले मन चलों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने स्कूलों तथा शहर के मुख्य रास्तों पर गश्त बढ़ा दी है। पुलिस द्वारा गश्त बढ़ाने तथा मन चलों पर लगाम लगाने के लिए स्कूली छात्राओं ने एसपी नरेंद्र सिंह बिचारनिया और अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य सैयद मोहम्मद इनाम का आभार व्यक्त किया है। इस बारे में विद्यालय के प्रधानाचार्य सैयद मोहम्मद इनाम का कहना है कि विद्यालय की काफी छात्राओं ने उन्हें अवगत कराया था कि जब वे विद्यालय आती हैं तथा वापस जाती हैं तो रास्ते में मनचले उनसे छेड़खानी करते हैं और अश्लील पंक्तियां कसते हैं। शिकायत के संदर्भ में विद्यालय की तरफ से एक लिखित पत्र एसडीएम डॉक्टर चिनाल चहल को दिया गया। एसडीएम ने मामले में तत्परता कार्रवाई करते हुए एसपी से निवेदन किया गया। वे स्कूलों के आसपास पुलिस की गश्त बढ़ाएं, जिसके पश्चात पुलिस की गश्त अब स्कूलों के समय पर लगने लगी है। जिस दिन से पुलिस का पहरा स्कूलों के आसपास बढ़ा दिया गया, तभी से ही एक भी मनचला स्कूल के इर्द गिर्द नजर नहीं आता। इसके लिए वो एसपी नरेंद्र सिंह बिजारनिया तथा एसडीएम डॉक्टर चिनार चहल का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि जब सुबह स्कूल आती हैं, जब छात्राएं और छुट्टी के पश्चात अपने घर जाती हैं, तो रास्ते में उन्हें मनचले परेशान करते थे। इसको लेकर स्कूल द्वारा अवगत कराया गया। इसके बाद अब स्कूलों का मुख्य रास्तों पर पुलिस की गश्त लगने लगी है। पुलिस रहने से अब उन्हें न केवल सुरक्षा का एहसास हो रहा है, बल्कि स्कूल आने वाली छात्राओं को भी अब संख्या बढ़ने लगी है। आप देख रहे हैं नुहमेवास से लियाकत अली रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार ऐसाई, फिरोजपुर झिरका सिटी शहर। सर, जो है स्कूलों में अधिकतर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि वे मनचले जो लड़कियों को परेशान करते हैं गर्ल स्कूलों में, तो आप लोग अभी जो थोड़ी देर पहले जो गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल था वहाँ पे लड़कियों का स्कूल, और यहाँ मेवात मॉडल के स्कूल स्कूल के बाहर है, तो कैसी व्यवस्था की है पुलिस? एसपी साहब के आदेशों अनुसार जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने, बाहर आवारा बालकों को भगाना, वहाँ से कोई अप्रिय घटना ना हो, बच्चों की सुरक्षा करना, बच्चों को पढ़ाई के उसमें नियंत्रण रखना और बच्चों के सुरक्षा करना, जो भी कोई आवारा बच्चे हैं, कोई गलत गुलत शब्द भाषाएं यूज ना करें, ना छेड़खानी करें उनके साथ। तो निरंतर गश्त पुलिस का जारी है? हाँ जी, नियंत्रण पुलिस गश्त जारी है। कितने बजे से कितने बजे तक आप लोग जो है स्कूलों में? यहाँ से स्कूलों से हम सुबह 8:30 बजे से 3:30 बजे तक गश्त ही गश्त रहती है हर स्कूलों में। यानी कि आने के टाइम भी, स्कूल खुलने के टाइम भी, छुट्टी होने तक? हाँ जी, स्कूल खुलने से पहले और स्कूल बंद होने से बाद तक गश्त चलती रहती है स्कूलों पे। तो जो कई बार आवारा मनचले कुछ लड़के होते हैं जो अश्लील पंक्ति वगैरह कसते हैं, जो कुछ ऐसी हरकतों को करते हैं, अपनी तरफ से क्या संदेश उनको देना चाहते हैं? उनको यही कहने जाते हैं, सभी की बहन बेटी एक हैं, ना किसी को छेड़ें, ना ऐसे बद भाषाएँ यूज करें गलत, और उनके सुरक्षा के लिए वो भी खड़े रहे हैं। हमारे बच्चों को ये निर्देश दे रहे हैं कि भाई गलत काम ना करें किसी से, हाँ, और किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा उसको, जो भी है उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बेटा क्या नाम है आपका? साइमा। साइमा, आप कौन से क्लास की स्टूडेंट? 12th आर्ट्स। बेटा अभी पुलिस रास्ते में लगी है आपकी सुरक्षा की दृष्टि से, तो आपको कैसा लगता है आप घर जाने में, मतलब स्कूल आने जाने में कैसा महसूस होता है? सर, बहुत अच्छा हो गया है। मतलब हाँ, पहले तो दिक्कतें होती थी लड़कियों को, बार बार परेशानी होती थी आने जाने में, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है। बहुत अच्छा हो गया। हाँ, तो जैसे ही जब सुबह पुलिस आती है और दिन में भी जब छुट्टी के टाइम पुलिस आती है, तो किस तरीके का अनुभव होता है? मतलब क्या, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से क्या, मतलब ऐसा लगता है कि अब हमारी प्रोटेक्शन हो गई है, प्रोटेक्शन हो गया, सेफ सेफ फील होता है, लड़कियाँ फील अच्छा सेफ फील करती हैं। क्या नाम बेटा? प्रियंका। प्रियंका, कौन सी क्लास की? 12th आर्ट्स। 12th क्लास। तो बेटा जब सुबह और शाम पुलिस यहाँ रहती है रास्ते पे, तो आपको कैसा महसूस होता है, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से? सर, बहुत अच्छा महसूस होता है।
पहले से तो बहुत अच्छा बेहतर हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप खुश हैं? यस सर। तो आप किसका धन्यवाद देना चाहिए, पुलिस कप्तान का, अपने सर का, सबका? सबका। सर पुलिस लगी है बाहर जब भी छुट्टी होती है और सुबह भी, तो इस लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कितनी स्ट्रेंथ है स्कूल में बच्चों की? ये हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है फिरोजपुर झिरका में, ब्लॉक का एकमात्र गर्ल्स स्कूल है। इसमें 875 लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और लगभग जो हमारे आसपास के गांव हैं कम से कम 20-25 गांवों की लड़कियां इसमें शिक्षा ग्रहण करने आती हैं। बाल वाहिनी 2 बस हरियाणा गवर्नमेंट ने जो लगा रखी हैं वो बच्चों को लेके आती हैं और वापस छोड़ती हैं। तो इससे पहले बाल वाहिनी अब भी बस स्टैंड फिरोजपुर झिरका पे छोड़ती हैं और वहीं से इनको पिक करती हैं बच्चियों को। तो बच्चियाँ जब आती थी वहाँ से यहाँ तक का आधा किलोमीटर का सफ़र पड़ता है, और बाज़ार से जब बच्चियाँ आती थी, मैंने जब चार शमा लाए आज से 3 महीने पहले, तो क्या दिक्कत होती थी कि बच्चियों के साथ जो मनचले लड़के थे वो इनको परेशान करते थे। ख़ासतौर से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज के बाहर लड़के खड़े रहते थे और बच्चियों को परेशान करते थे। वाल्मीकि मोहल्ले से जब बच्चियाँ निकलती थी तो बच्चे वहाँ बस स्टैंड से उनके पीछे लग जाया करते थे, और कुछ ITI के बच्चे बस स्टैंड के अंदर बच्चियों को परेशान करते थे। तो हमारे सामने ये, हमारे स्टाफ के सामने ये बहुत बड़ी समस्या थी कि लड़कियों की सुरक्षा को लेकर। कुछ लड़कियाँ तो 2-4 लड़कियाँ ऐसी भी हमने देखी कि वो छोड़ गई, स्कूल छोड़ गई। तो इसको